बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरबिया जद्दा से इस वक्त मैं लाइव हूँ। बहुत जल्द लोकेशन चेंज करने वाला हूँ, कहाँ की आपको इंशाल्लाह ताला पता चलेगा और आपके साथ मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो वो शेयर करता रहूँगा। यानी कि एक टूर होगा। टूर क्या है यार, बस छोड़ो यार, एक मैं आपको बोलता हूँ इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है और इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन भी उससे अच्छी मिलेगी। बहरहाल अभी आज की वीडियो के ऊपर बात कर लेते हैं। जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था वो ये है कि भाई ने अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था कि बंदे का, इससे पहले भी मुझे कमेंट आ चुके हैं काफ़ी कि यार भाई हमारे ही काम में हमारी छुट्टी नहीं बढ़ी है तो क्या पाकिस्तान जो पाकिस्तानियों का या इंडियन भी हमारे जो भाई हैं इनका नाम इसमें शामिल है या नहीं है। तो अभी तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको अभी वीडियो में कुछ और भी क्लियर करने वाला, अभी तक की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है ना बहरहाल, उसमें यह है कि ना तो पाकिस्तान का नाम है ना ही इंडिया का नाम है। 19 कंट्रीज़ के जिनके नाम बताएंगे उनमें पाकिस्तान इंडिया का नाम नहीं रखा गया है। अभी अगर जनवरी की 31 तक हमारे इकामे हमारी छुट्टी जो पाकिस्तानी भाई हैं इंडियन भाई हैं उनके बढ़ाए गए थे, उसके बाद अभी मार्च की 31 तक ऐलान किया गया है 2 माह का मजीद, लेकिन उसमें पाकिस्तान इंडिया का नाम नहीं सामने आ रखा है। ठीक है, लेकिन आप सऊदी अरेबिया में अभी भी आ सकते हैं। वो कैसे आ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मैं पहले आपको कुछ वीडियो में ये क्लियर कर चुका था कि भाई अपना अफसर, अपना पासपोर्ट, अपने आपका अपनी कंपनी वगैरह तो डर नहीं है, इन चीज़ों के ऊपर नज़र दौड़ाएँ, आपके काम आपकी छुट्टी बढ़ जाएंगी। नज़र दौड़ाएँ, अगर फिर भी नहीं बढ़ रही है किसी दोस्त को बोलकर किसी मकतब में भेज दें, मकतब वाला खुद से जवाबात में मंदूब भेजकर आपका काम करवा देगा। वो पैसे अलग से लेते हैं, वो आप किसी दोस्त से उसको बोलकर उसके मकतब में भेजकर इंफॉर्मेशन ले सकते थे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि बंदों ने बोला चलो शाही फरमान है, बढ़ जाएंगे खुद ही नहीं बढ़े, और अभी पाकिस्तानी जगह नाम भी खारिज कर दिया गया है। एक काफ़ी बुरी खबर है, क्यों? जो भाई वहाँ पर बैठे हुए थे वो इसी इंतज़ार में थे। अभी आप सऊदी अरबिया में आ कैसे सकते हैं? आप अपना अफसर ओपन करवाएं यहाँ पर किसी दोस्त के पास सऊदीया में, उसको बोलें कि मेरा अफसर ले जा किसी मकतब में, क्योंकि जवाजात में वो जा ही नहीं सकता, जवाजात में सऊदीया में डूब जा सकता है। मकतब में चला जा, वहाँ पर जाकर मेरा अफसर दिखा, उनको बोल के मेरा इस बंदे का इकामा और छुट्टी भाई बढ़ाना है, क्या बढ़ सकता है? अगर तो बढ़ सकता हुआ तो वो आपका भाई 2-3 माह का इकामा रीनू करवा देगा। 3 माह का इकामा रीनू होता है अभी, और छुट्टी चाहे आप 1 माह बढ़ा लें, उसके बाद आप सऊदी अरब में इंटर हो सकती हैं। आपको थोड़े पैसे लगाने पड़ेंगे अब 3 माह के इकामे के ऊपर, और छुट्टी के ऊपर तो 100 रियाल लगेगा बस। तो वो मकतब वाला जो फीस लेगा वो 50-100 रियाल जो भी होगी। तो बात यह है कि आप भाई अभी सऊदी अरब में ऐसे आ सकते हैं पाकिस्तान से जो अभी आना चाहते हैं। तो बेहतर तो यही है, मैं अभी यही बोलता हूँ खुद से कि आप ऐसा करें, क्योंकि अब जो वाई के थ्रू भाई आए पहले, उनको आपने देखा होगा वो कितने कितने पैसे लगा कर आए, तो अभी आप थोड़े लगा लें, आ जाइए, अभी से बेस्ट यही है।